तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को इन गंदे हाथों से कुरकुरे खिलाने की? और एक बात बता, तेरा काम गेट के बाहर है लोगों को सलूट करने का, ना कि यहाँ मैडम को कुरकुरा खिलाने का। तू यहाँ कर क्या रहा है? और सुन, मैडम तुझे कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं तू सर पे चढ़ के नाचेगा। बॉस को आंदे, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे संदीप क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा हो सर आप आगे, देखो ना इस दो कोड़ी गार्ड को, अपने गंदे हाथों से मैडम को कुरकुरे खिला रहा था। ये क्या बोल रहे हो संदीप तुम, ये गार्ड मैडम को कुरकुरे खिला रहा था? हाँ सर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक बार ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे चेक करवा लो। सर सीसीटीवी कैमरे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं मैडम को सही में कुरकुरे खिला रहा था। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या ये बात बोलते हुए? तू यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता है ना, या फिर मैडम को कुरकुरे खिलाने की तनख्वाह लेता है? हाँ सर मैं तो पहले ही कहता था ये गार्ड मुझे पहले से अच्छा नहीं लगता, इसको मैं तो कहता हूँ नौकरी से बाहर निकाल दो। हाँ संदीप तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इतना जो आज ये हरकत करी है ना इसको नौकरी पे नहीं रख सकते, इसको निकाल ही देते हैं। बस बहुत हुआ संदीप तुम्हारा। और सर हाँ, जिसकी आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं आपको पता भी है ये दो कौड़ी का गार्ड है कौन? ये दो कौड़ी का गार्ड मेरे हस्बैंड है। क्या श्वेता, ये गार्ड तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। तुम क्यों मुझे सैल्यूट कर रहे हो बाबू? अरे श्वेता वो तो हम घर में मियां बीवी है ना, ये तो ऑफिस है तो मुझे अपना काम तो करना पड़ेगा ना। अरे यार तुम भी ना पूरे पागल हो, चलो मैं जाती हूँ। संदीप कम इन। संदीप मैंने तुम्हें सौरव रोतेला सर की फाइल दी थी, अभी तक कंप्लीट कर दी तुमने वो? हाँ मैम, एक्चुअली वो क्या है ना कि वर्कलोड थोड़ा ऑफिस का ज्यादा हो गया था, वो पेंडिंग में है अभी फाइल, बाकी आपको शाम तक फाइल मिल जाएगी। व्हाट नॉनसेंस संदीप, ये क्या होता है कि इवनिंग में मिल जाएगी फाइल, मुझे अभी चाहिए थी फाइल। और तुम्हें तो पता है ना सरजेश सर को हर काम टाइम पे चाहिए होता है, अब वो मुझे डांटेंगे तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगी। अब देख लो चॉइस इज योर, तुम्हें क्या करना है जल्दी मुझे फाइल रेडी करके दो। ओके मैम मैं शाम तक फाइल रेडी करके देता हूँ। अरे श्वेता क्या कर रही होगी, उसने लंच किया भी होगा कि नहीं? एक काम करता हूँ उसे ना अपने हाथों से ना कुरकुरे खिला के आता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, इस मारे प्यार भी बढ़ जाएगा। हाँ चल। अच्छा तो इन दोनों का ये सीन चल रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ और आज तो इसकी नौकरी गई। संदीप अब तो तुम्हें पता लग गया ना ये मेरे हस्बैंड है, अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद है? अब बोलो ना कि दो कौड़ी के गार्ड है ये, बोलो चुप क्यों? अरे मैडम I'm really sorry, मुझे नहीं पता था ये आपके हस्बैंड है, नहीं तो आपको पता है मैं ऐसा कभी बोल सकता हूँ आपके बारे में? श्वेता मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ कि संदीप की बात मानकर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को इतना उल्टा सीधा बोला, और मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो इंसान को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इट्स ओके सर, बट सर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप किसी को किसी के कपड़ों से जज करोगे, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, बट सर आप अच्छे हो, पर आज तो आप इस संदीप की बातों में आ गए। और हाँ सर बात रही मेरे हस्बैंड की, तो ये मेहनत करना जानते हैं और ये अपना हक का खाना जानते हैं, इन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए क्योंकि ये अच्छे हैं और इन्हें पता है कि एक मर्द का फ़र्ज क्या होता है, और ये अच्छे से निभाया है इन्होंने। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं शिवम की वाइफ हूँ। आई लव यू शिवम।